हेलो दोस्तों, जो आज आपका एक्सपेरिमेंट है जो आपको करवाने वाला हूँ वो है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील पे। ये एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील होता क्या है वो आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे ये है वॉर्म। वॉर्म का मतलब हिंदी में होता है कीड़ा, ठीक है, कीड़े की तरह देखते हुए आगे चलेगा। और ये है व्हील, तो आप इसके देख सकते हैं, देखिए ये कीड़े की तरह आगे बढ़ रहा है और इसको घुमा रहा है। और इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो होता है हमारे स्पीड रिडक्शन। स्पीड जब आपने बहुत ज्यादा रिड्यूस करनी होती है, मोटर चलती है देखिए बहुत ज्यादा स्पीड पे चलती है, ज्यादा आरपीएम पे चलती है, तो आपको चाहिए कि नहीं मैं मुझे तो इतनी आरपीएम चाहिए नहीं है, तो इतनी कम आरपीएम वाली मोटर नहीं बनाई जा सकती है कि वो मान लीजिए एक मिनट में सिर्फ एक ही राउंड लगाए। ऐसी मोटर हम बना नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें ये वाला अरेंजमेंट लगाते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील लगाते हैं। तो इसमें कितनी रोटेशन कैसी आप चेंज कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये देखिए, मैं पहले आपको दिखा दूं यहां पे, देखो मैं इसका क्या करता हूं, यहां पे निशान लगाता हूं, यहां पे देखो यहां पे मैं निशान लगाता हूं और यहां पे मैं उंगली रख लेता हूं, यहां पे निशान लगा देता हूं, मान लेता हूं या इसके साथ लगा देता हूं इसके साथ, ठीक है। तो इसकी रोटेशन और इसकी रोटेशन देखें कितनी है, ये देखो आप इस पे उंगली रख लेना और इस पे। अब मैं व्हील वॉर्म को एक रोटेशन घुमा चुका हूं, एक रोटेशन घूम चुका है और ये सिर्फ यहां से यहां पहुंचे। दूसरे रोटेशन में देखिए आप, दो तीन चार पांच, ठीक है पांच रोटेशन हो चुकी है। पांच के बाद ये छह, छह के बाद सात आठ, ठीक है नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह यहां पे अगर मैं आऊं तो पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस और ये बीस। तो यहां पे 20 रोटेशन इसकी हो गई है और ये सिर्फ यहां से यहां तक ही पहुंचे, तो ऑलमोस्ट 1/4 ही पहुंचा है अभी, ठीक है। अभी भी अगर देखें तो यहां है, अगर मैं यहां तक पहुंचाना चाहूं इसे तो कितनी रोटेशन हो चुकी थी, 20 आगे एक और करते हैं 20 21 22 23 24 और 25 रोटेशन के बाद एग्जैक्ट जो है वो ये 1/4 रोटेशन इसने कवर की। देखिए 25 रोटेशन इसकी और 1/4 इसकी, मतलब इसकी कितने रोटेशन हो कि ये पूरा घूम जाए, 100 रोटेशन इसकी, एक रोटेशन इसकी 100:1, ठीक है इसकी 100 रोटेशन और इसकी एक रोटेशन, इतनी ज्यादा आप डिफरेंस ला सकते हैं। इसकी 200 इसकी एक, इसकी 300 इसकी ऐसे 200 इसकी दो, 300 है तो तीन, 1000 है तो 10, 1000 रोटेशन के बाद सिर्फ ये 10 रोटेशन लेगा। तो इतना ज्यादा डिफरेंस ला सकते हैं आप, सिर्फ स्पीड रिड्यूस कर सकते हैं इतनी ज्यादा आप इसकी। तो इसके अलावा इसका एक और फायदा क्या है, ये आप कम लोड लगा के कम एफर्ट लगा के लोड ज्यादा उठा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आया या नहीं आया मुझे जरूर बताओ। थैंक यू सो मच।